देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए सेकेंड ला क्या कहता है भाई पहला तो ये बता दिया गया कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अप्लाई करने पर किसी बॉडी की विरासी चेंज की जा सकती है किसी रुकी हुई बॉडी को चलाया जा सकता है और किसी चलती हुई बॉडी को रोका जा सकता है वो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स यानी पहले लॉ में उन्होंने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया आप सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि फोर्स होता क्या है तो थोड़ी कहानी लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज directly proportional to the external force applied on the body to the external force applied on the body hai. rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body ठीक है अब इसको हम दिखाने जा रहे हैं ये इन्होंने नियम बताया था हमने मान लिया कि सपोज करिएगा एक बॉडी है और उसका मास जो है वो कितना है मास ऑफ ए बॉडी वो है एम अब लीनियर मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है यानी क्या चेंज हो रहा है उसका मास तो चेंज नहीं होगा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जो है इनिशियल लास्टी वो हमने मान लिया, V1 माल लिया u माल वी वन मान लिया यू मान लो वो भी चलिए चूंकि फिजिक्स में u माना जाता है तो u मान लेते हैं तो इनिशियल वालास्टी हमने क्या मान लिया यू फाइनल वालास्टी फाइनल वालास्टी वो क्या मान लिया हमने v इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं पी से तो इनिशियल को हम मानेंगे पी वन इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम उसको किससे इंडिकेट करेंगे पी टू से मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अब आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए ठीक है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन क्या होगा हाँ मोमेंटम देखो जब कोई चीज़ चेंज होती है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं इसको इंडिकेट कहा से करेंगे हम डेल्टा पी से पी टू एम रखेंगे तो वी माइनस यू आ जाएगा भाई हमने आपको क्या लिखवाया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ठीक काम ने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए ना तो हमने अभी क्या निकाला चेंज इन मोमेंटम जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ है ठीक है तो देखिए इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा पी कितना निकला है एम वी माइनस यू तो आएगा और अपान ने अप एक मिनट डेल्टा पी निकाला ना डेल्टा क्यों लगा रहे हो अपान डेल्टा टी एम बाहर कर दो तो वी माइनस यू अपान डेल्टा टी ये क्या लिखा है डेल्टा वी लिखा है ना तो यानी ये हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इसको पहचानते हो वेलोसिटी अपान टाइम डिस्टेंस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है ध्यान से देखिए एक्सलरेशन यानी ये हो गया एम ए यहां तक तो पहुंच गए ये आपने क्या निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला नोट करिए अब अगर ये तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया ठीक है ये क्या निकला डेल्टा पी ए डेल्टा टी निकाला हमने ठीक है अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लॉ कहता क्या है बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना ये अप्लाइड फोर्स के प्रपोशनल है उल्टा भी कह सकते हैं यानी एफ प्रपोशनेट डेल्टा पी अपान डेल्टा टी ये तो बोला उन्होंने यानी एफ प्रपोशनेट डेल्टा पी अपान डेल्टा टी क्या निकाल चुके हैं आप एम ए और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या होता है एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है तो एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए जरा समझने की कोशिश करिए कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन को वन देनी थी चूँकि ये पहली बार फोर्स का फॉर्मूला आ रहा था ये ये एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही थी ठीक है तो कोई चीज़ अगर न्यू न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसको आप डिफाइन करिए उसी हिसाब से न्यूटन को इस फोर्स को डिफाइन करना था किस तरीके से कि के की वैल्यू क्या आ जाए वन आ जाए उन्होंने कहा कि अगर एम बराबर वन के जी ले लें मतलब एक बॉडी कितने मास की ले लें वन के जी की और उसका एक्सेलरेशन ले लें वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उस पर जो फोर्स लगेगा देन फोर्स वन न्यूटन होगा यह बता दिया उन्होंने यानी वन न्यूटन को डिफाइन ही उन्होंने तय किया भाई आप कहेंगे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन्होंने वन कैसे ले लिया पहली बार ये एफ़ को डिफाइन कर रहे थे एफ़ को इसके पहले किसी ने डिफाइन नहीं किया था तो उनको डिफाइन करना था ना जैसे पहली बार किसी जानवर का नाम हमको रखना है तो कुछ भी रख दो सो दो कैट भैंसे को बता दो कैट हाँ और टाइगर को बता दो गोट पहली बार नाम रख रहे हो ना तो जब नाम रखा गया होगा तो अपने हिसाब से नाम रख लिया होगा तो यहाँ से के की वैल्यू क्या होगी तो बाइक क्वेश्चन वन बाइक क्वेश्चन वन रखो वैल्यू यहाँ उठा करके एफ को क्या रखोगे वन के के को मालूम नहीं m वन a तो वन तो F इज इक्वल टू सॉरी वन इज इक्वल टू के के की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई सो f बराबर क्या हो गया एम ए अरे ये फार्मूला न्यूटन ने दिया था यानी इस के को न्यूटन ने डिफाइन किया इस के की वैल्यू न्यूटन ने क्या मानी और वन मानने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि वन न्यूटन फोर्स को डिफाइन इस तरह किया कि वन के जी बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी वन न्यूटन ठीक है नोट करिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस क्वांटिटी के बारे में बताता है फोर्स फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है क्वालिटी मतलब फोर्स क्या कर सकता है क्या कर सकता है चलती हुई बॉडी को रोक सकता है यानी किसी बॉडी की पोजिशन को चेंज कर सकता है ठीक है और सेकेंड लॉ क्या बताता है फोर्स की क्वांटिटी को बताता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है ठीक है तो आप लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन्स सेकेंड लॉ द क्वांटिटी ऑफ फोर्स क्या देता है ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स पहला बताता है क्वालिटी ऑफ फोर्स और सेकंड क्या बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स अब इसकी यूनिट कैसे निकाली जाए फोर्स की तो देखिए इसकी यूनिट ऑफ फोर्स निकालने जा रहे हैं यूनिट ऑफ फोर्स देखिए पहली यूनिट हम निकालते हैं एस यूनिट एस बोले तो सिस्टम डी इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है सिस्टम डी इंटरनेशनल या इसको हम कहते हैं एम के एस यूनिट एम के एस बोले तो मास किलोग्राम सॉरी ये मीटर में डिस्टेंस मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड में ये एसआई SI यूनिट होती है ठीक है एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है एक तो न्यूटन होती है और फार्मूले के हिसाब से क्या होगी तो देखो एक तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या दूसरी न्यूटन होती है ये मैं न्यूटन लिख रहा हूँ सही लिखा हुआ है ये सही लिखा न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन सही लिखी है देखिए अगर आप साइंटिस्ट के नेम से लिखते हैं तो या तो आप केवल एक लेटर बना दीजिए कैपिटल या पूरी पूरी स्पेलिंग लिखोगे तो स्मॉल और ऐसे लिखना तो एक लेटर बना दीजिए ये कौन सी यूनिट हो गई ऐसा SI यूनिट दूसरी यूनिट इसकी है सी जी एस यूनिट सी जी एस यूनिट देखिए सी जी एस में डिस्टेंस सेंटीमीटर में मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में मेजर होता है अब इसकी यूनिट चेंज करिए किलोग्राम को क्या लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यूनिट क्या बनेगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन की जगह लिखते हैं हम डाइन ठीक है एक आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है एक तीसरी यूनिट बनाई गई है ग्रेविटेशनल यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट यह होती है केजी फोर्स या केजी वेट क्या होती है केजी फोर्स कहिए या केजी वेट कहिए अगर ऐसा SI करोगे तो ग्राम फोर्स हो जाएगा और वन के जी फोर्स वन के जी एफ नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर होता है नाइन पॉइंट एट बोले तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ठीक है इसे नोट करिए फिर इसके बारे में बात करते हैं हमने कहा फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन तो के जी वेट ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी जरूरत क्या है तो कभी कभी आता है कि नीड ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है नीड ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट क्यों है मैं लिखवा नहीं रहा हूं समझा रहा हूं ग्रेविटेशनल यूनिट इसी जरूरत क्या पड़ गई देखिए होता क्या है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है में? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है में? और ए क्या होता है एक्सलेशन जो कि आप प्रोवाइड करते हैं अगर वही बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्रीली गिर रही है तो ए क्या बन जाता है जी ए जो होगा वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जी बन जाएगा तो क्या जी हर जगह फिक्स रहता है जी नहीं जी प्लेस टू प्लेस हाइट पे डेफ्थ पे हर जगह चेंज होता रहता है तो ये फॉर्मूला फिक्स नहीं रहेगा ना अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रेविटेशन यूनिट तो आप लिखेंगे द फोर्स की जो यूनिट न्यूटन होती है वो एब्सल्यूट यूनिट होती है दैट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर वो हर जगह कॉन्स्टेंट होती है लेकिन क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हर जगह चेंज होती रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती रहती है इसलिए हर जगह इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वहाँ पर जी की वैल्यू हमको चाहिए ना तो हम यूनिट क्या बना दिए के जी वेट न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको जी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास को और चूँकि जी वहाँ पर जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं वहाँ जी की वैल्यू जो भी होगी वो रख देंगे तो अपने आप इसकी वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो ये तो हो गया इसको हेडिंग डाल लीजिएगा कि नीड ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट बस अपना दिमाग लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको सोचेंगे ठीक है एक और नोट देखिए जरा इस नोट को समझिएगा बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप बराबर क्या होता है ऐम ए वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल वैल्यू आई है तो ऐ बराबर क्या आया है एम ए अगर मैं एफ़ को जीरो कर दूँ इस बराबर ज़ीरो कर दूँ यानी आप कहेंगे एम ए बराबर ज़ीरो हो जाएगा एम और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है ना दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कब होता है जब दो में से या तो दोनों ज़ीरो हो या कोई एक ज़ीरो हो तो क्या एम ज़ीरो हो सकता है नहीं तो क्या ज़ीरो होगा ए इसका मतलब ए जीरो हो गया ए इक्वल टू जीरो ए क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अलास्टी एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी जीरो हो गया जब डेल्टा टी को उधर ले जाओगे तो डेल्टा वी बराबर जीरो हो गया डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज नहीं वो डी होता है जब बहुत स्मॉल चेंज होगा तो डेल्टा को डी बना देते हैं डेल्टा का मतलब चेंज वेलोसिटी का चेंज जीरो है वेलोसिटी का चेंज जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इज कांस्टेंट ठीक है पहले इसको लिखिए फिर बताया जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं इसमें ये क्या शो हो रहा है कुछ ये समझ में आ रहा है कुछ जो बताया जा रहा है क्या बता रहे हैं हम ये हमने जो बताया है ये समझ में आ रहा है हम बता क्या रहे समझ में आ रहा है क्या समझ में आया अगर फोर्स आपने नहीं लगाया फोर्स कितना है जीरो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ये किसने बताया था कहाँ बताया था फर्स्ट लम बताया था ना फर्स्ट लम यही बताया था उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना करें तो उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगी या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन चेंज नहीं होगी मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी यही तो यहाँ सिद्ध हुआ है और लॉ कौन सा लेके आप चल रहे हैं सेकेंड अप्रूव क्या हो गया फर्स्ट तो आपने क्या देखा कि सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है तो लिखिए दिस शोज दैट दिस शोज दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ कंसिस्टेंट लिखिए कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो छोटे हम कंसिस्टेंट एक वर्ड कहीं पढ़े हैं इंग्लिश ना बताइएगा अभी बच्चों से एक जगह पूछा कि इंग्लिश में हमने पढ़ा है इंग्लिश में तो गो माने जाना भी पढ़ा है कैट मानी बिल्ली पढ़ा है में कंसिस्टेंट वर्ड कहीं और पढ़ा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसमें लिखा था कंसिस्टेंट सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं याद है वेरी गुड कंसिस्टेंट पढ़ा है आपने लेकर हमको, हमको पढ़ाएंगे तो छोड़ो जब पढ़ा नहीं है कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक की वैल्यू दूसरे की हेल्प से निकाली जा सकती है तो हम कहेंगे ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं कंसिस्टेंट हैं ठीक है ठीक है इसका मतलब सेकेंड ला से फर्स्ट ला निकाला जा सकता है तो सेकेंड ला जो फर्स्ट ला है वो सेकेंड ला पे कंसिस्ट consist कंसिस्टेंट है मतलब तो उस पर निर्भर करता है ठीक है यानी लॉ से ही बनाया गया है कह सकते हैं ना अब कभी कभी क्या होता है कि वैक्टर फॉर्म में हमको लिखना पड़ जाता है तो लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेट फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेट फॉर्म अब जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ाया उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा न्यूटन सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेट फॉर्म कैसे निकालेंगे देखिए हमको पहले तो फोर्स चाहिए हमको एक्सलेशन चाहिए हमको मोमेंटम चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं जब कोई वेक्टर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड यानी ये आई के डायरेक्शन का कंपोनेंट है ये वाई के डायरेक्शन का कंपोनेंट है ये जेड के डायरेक्शन का कंपोनेंट है पढ़ा है आपने वेक्टर नहीं पढ़ाना और थोड़ा दिक्कत करेगा लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि हल्का बताया गया है तो देखिए यहां पर जो फोर्स लिखा जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेंट फॉर्म न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म तो हम क्या करेंगे जो फोर्स को लिखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स मान लिया और मल्टीप्लाई किसे कर दिया आई कैप से आई कैप यूनिट वेक्टर होता है अब अभी नहीं मालूम आपको पढ़ाएं हाँ तो वही है प्लस जे के डायरेक्शन में एफ़ वाई हो गया मल्टीप्लाई कर दिया जे कैप से और जेड में एफ़ जेड हो गया मल्टीप्लाई कर दिया के कैप से एक्सलेशन दिखाते हैं ए तो हमने ए एक्स आई आप ए वन ए टू ए थ्री कर सकते हैं एक्स वाई जेड जो सफिक्स में लिखे हैं केवल ये दिखाने के लिए है कि दिस इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस इज एलॉन्ग वाई एक्सिस दिस इज एलॉन्ग जेड एक्सिस और कुछ नहीं है ये हो जाएगा ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हमको मोमेंटम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप ठीक है अब न्यूटन सेकेंड ला क्या कहता है एफ इज इक्वल टू क्या कहता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कहता है ना और जो किसके इक्वल है एम ए के इक्वल है ये बताया गया है इसको वेक्टर चढ़ा दीजिए अब वैल्यू उठा कर रख दो एफ़ को क्या रखोगे आप एफ़ को रखोगे आप एफ़ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इज़ इक्ल टू डेल्टा अपान डेल्टा टी और पी को क्या लिखा आपने पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के इज़ इक्वल टू एम और ए को क्या लिखा एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के तो अगर इसको यहाँ पर इक्वेट कर देंगे हम इक्वेटिंग द कोफिशेंट कर देंगे इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स आई के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है एफ एक्स तो आई के साथ क्या लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है डेल्टा पी एक्स पान डेल्टा टी तो ये किसके इक्वल होगा डेल्टा पी एक्स अपान डेल्टा टी ये इक्वल होगा एम ए एक्स के नहीं समझे भाई देखिए फोर्स इज इक्वल टू तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इज इक्वल टू तो एम ए होता है तो जब एक्स डायरेक्शन के एलंग फोर्स निकालेंगे तो हर एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा हर जगह इसी प्रकार से अगर एफ वाई निकालोगे तो उसको क्या लिखेंगे डेल्टा पी वाई अपान डेल्टा टी या एम ए वाई अगर एफ जेड निकालेंगे तो आएगा डेल्टा पी जेड अपॉन डेल्टा टी ये आपका एम ए जेड हो जाएगा तो ये आपके कॉम्पोनेंट फॉर्म में है ये कोई प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कंपेयर आप करना कैसे करेंगे उसको समझाया गया ठीक है नोट करिए तो कभी कोई पूछते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए लोकल रिलेशन एक नोट है उसको लिखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कुछ बुक्स में आपको स्टेटमेंट मिलेगा उसमें नहीं है नूतन वगैरह में नहीं है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इज अ लोकल रिलेशन इज़ अ लोकल रिलेशन जरा समझिएगा लोकल रिलेशन इसका मतलब क्या होता है सावधान सेकेंड लॉ क्या कहता है बराबर एम ए तो कहते हैं सेकेंड लॉ जो है वो रिलेशन होता है फोर्स और एक्सलेशन का ठीक है अब किसी बॉडी पर किसी जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा ये कौन डिसाइड करता है उस जगह पर उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स इसका मतलब ये नहीं कि अगर ए आपका कुछ दिया हुआ है मान लिया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपने कर दिया हाँ वही रहेगा हो सकता है कि किसी जगह पर उसकी वैल्यू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो किसी और जगह पर उसकी जस्ट नेक्स्ट कोई एक जगह है जहाँ पर फोर्स चेंज हो जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाए तो यानी कि ये एक्स ये जो सेकेंड लॉ में एफ और ए है ये उस लोकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना कि एक हिस्ट्री बना ली कि फोर्स पाँच न्यूटन होगा नहीं समझे जैसे आपने एफ बराबर एम ए एक, एक, एक वैल्यू निकाल ली कि फोर्स दो न्यूटन है और एक्सीसन इतना है तो आपने बता दिया भाई दुनिया में हर जगह फोर्स दो न्यूटन होता है अगर आपने और एक्सीसन उसका इतना होता है ऐसा कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है प्लेस टू प्लेस फोर्स चेंज होगा उसके हिसाब से एक्सीेशन भी चेंज होगा ठीक है इसलिए कहा गया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लोकल रिलेशन थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन मीन्स नहीं पूरा लिखिए स्टेटमेंट है पूरा भाई ऐसे शॉर्ट ना लिखिए ना मीन्स द फोर्स एफ एट अ पॉइंट इन स्पेस द फोर्स एफ एट ए पॉइंट इन स्पेस स्पेस एट अ सर्टेन इंस्टेंट एट सर्टन इंस्टेंट एट सर्टन इंस्टेंट इज रिलेटेड टू एक्सलरेशन ए जो फोर्स और ए को अंडरलाइन कर दीजिएगा इस पर ज्यादा मतलब जो है तवज्जो देना है इस वर्ड पे एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज रिलेटेड टू एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट ऐट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट मतलब फोर्स जो है किसी भी समय बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस समय उस जगह पर जो एक्सलरेशन होता है उससे रिलेट करता है पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द एक्सलेशन द एक्सेलेशन हीयर एंड नाउ मतलब उस जगह पर यह एक फ्रेज है पूरा द एक्सलरेशन हीयर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हेयर एंड नाउ हेयर एंड नाउ ज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नाउ मतलब किसी जगह पर एक्सलेशन को कौन डिसाइड करता है उस जगह पर उस समय लगने वाले फोर्स पे किसी और हिस्ट्री पे नहीं करता कि पहले फोर्स इतना लगा करता था इसलिए यहाँ पर एक्सिलेशन इतना होगा उस समय जो वहां फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से उस बॉडी का एक्सेलेशन डिसाइड किया जाएगा ठीक है क्या लिखा द एक्सलेशन हियर एंड नाउ is डिटरमाइंड by the फोर्स here एंड now here एंड नाउ नॉट by एनी हिस्ट्री ऑफ the मोशन ऑफ the पार्टिकल नॉट by एनी हिस्ट्री ऑफ the मोशन ऑफ the पार्टिकल उस पार्टिकल के मोशन की कोई हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है कि वंस अपन एनी टाइम देर वॉज ए फोर्स देर वॉज दिस एक्सलेशन तो वो हमेशा यही रहेगा वो सचुएशन अलग अलग सेचुएशन पर फोर्स बदलेगा और उसके हिसाब से एक्सलेशन भी बदलेगा इसलिए कहा गया है कि सेकेंड ला इज़ अ रोकल रिलेशन ये कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है ठीक समझ में आ गया